हिंद भूमि की हम संतान नित्य करेंगे उसका ध्यान, नील गगन में लहराएंगे भगवा अमर निशान, भगवा अमर निशान, भगवा अमर निशान। हिंद भूमि की हम संतान नित्य करेंगे उसका ध्यान, नील गगन में लहराएंगे भगवा अमर निशान, भगवा अमर निशान, भगवा अमर निशान। स्वार्थ छोड़ कर सब अपना, माया ममता का सपना, नींद हमारी छोड़े हम आगे कदम बढ़ाए, हम कदम कदम पर हिल मिल गाए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारी अमर रहे अमर, क्रांतिकारी अमर रहे अमर, क्रांतिकारी अमर रहे अमर। देशभक्तों की जय, देशभक्तों की जय, देशभक्तों की जय। नेताजी और सावरकर की जय, नेताजी और सावरकर की जय, भारत माता की जय। आप ये ना सोचना हम नारे लगाते जाए तो हम फोटो ही बनाते हैं। फोटो बन गई हो गई ना, चलो। ये स्फूर्ति का गान, ये स्फूर्ति का गान, हिंद भूमि की हम संतान नित्य करेंगे उसका गान, भगवा अमर निशान। जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। झगड़े छोड़े एक करे हम, धर्म संस्कृति नहीं भूले, इतिहासों को साक्षी ले हम, नर वीरों का स्मरण करे, विपद स्थिति से मातृभूमि का करना है उत्थान, करना है उत्थान, करना है उत्थान। हिंद भूमि की हम संतान नित्य करेंगे उसका ध्यान, नंदगाल की भूमि यही है, छात्र धर्म का तेज यही है, मानवता का मूल यही है, देशभक्त और नर वीरों का प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू भूमि की हम संतान नित्य करेंगे उसका गान, जितने जो उनको लगता था कि बहुत भारत हैवी है, जो उनकी बात नहीं मानते हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को चुन चुन के उन्होंने वाइपर द्वीप में भेजा। और वाइपर द्वीप की एक बात, एक खास बात जो चारों तरफ जानी जाती है वो ये कि वाइपर द्वीप को चेन गैंग जेल के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए कि वहां पर 50 लोगों को एक साथ एक चेन में बांध के रखा जाता था और उनसे उसी पोजिशन में काम भी करवाया जाता था। इसी में काफी दिन तक आगे चलता रहा, बहुत सारे देश पूरे भारत वर्ष के कोने कोने से यहाँ पर देशभक्तों को अंडमान की सरजमी पर भेजा जाता रहा कारावास भोगने के लिए। और 1890 में जेल कमेटी ने अंडमान
दौरा किया और इस जेल कमेटी के दौरे में ये बात सिफारिश निकल कर आई एक उनकी कमेटी की रिपोर्ट में कि अंडमान में जेल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इससे पहले 1872 में जब लॉर्ड वॉइसरॉय जो लॉर्ड मेयर अंडमान आए थे तब एक कैदी ने उनका मर्डर कर दिया था, बाद में इसे वाइपर जेल में फांसी की सजा सुना दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। तो इस वजह से उनका ध्यान इस बात पर होने लगा कि अब ये लोग बहुत खुले में रहते हैं तो बहुत जरूरी है कि इनको थोड़े से और बंद अनुशासन में रखा जाए, और चूंकि उस जमाने में सेटलमेंट का साइज ही बढ़ रहा था अब उनको अनुशासन बनाए रखने में दिक्कत आ रही थी, और ऐसे ही उन्होंने सलीमा जेल का निर्माण की सिफारिश की और इसका निर्माण कार्य 1893 में शुरू हुआ और ये करीब 12-13 साल के बाद 1905 में जाकर 5-6 के आसपास ये खत्म हुआ इसका निर्माण कार्य। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि सलीमा जेल के निर्माण के लिए इसके पूरे इतने जो दैत्य आकार की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए कोई लेबर कुछ बाहर से नहीं लाया गया, सब सारे देशभक्तों ने अपने ही खून पसीने से अपने लिए ही तैयार की सेलुलर जेल, और अपने लिए और उनको उनके जो पदचिन्हों पर जो चलने वाले जो देशभक्त आगे आने वाले थे ऐसे लोगों के लिए उन्होंने खुद तैयार की। तो जैसे जैसे सेलुलर जेल की एक एक भुजाएं बनती गई वैसे वैसे यहाँ पर राजनीतिक बंदियों को फ्रीडम फाइटर को भेजा भी जाने लगा था, और यही एक आप सब जानते होंगे कि यह वो समय भी था जब 1905 उससे पहले महाराष्ट्र में चापेकर बंदियों का की गतिविधियां क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत शुरू हो गई थी, और उसके बाद अभिनव भारत का भी गठन हो गया था, और ये सब ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां से काफी मोमेंटम पकड़ती गई, और 1905 में जब 12 ये बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऐसे में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा जोर पकड़ती गई और खासतौर पे बंगाल में, तो बहुत सारे बंगाल से काफी क्रांतिकारियों को अंडमान कारावास भोगने के लिए भेजा गया। मैं ये इस बिल्डिंग को आप देख लीजिए, यहाँ इसके बारे में जरा बता दूं कि ये जो जब ये बन के तैयार हुआ तो ये बीच में केंद्रीय मीनार है, सेंट्रल टावर, वॉच टावर जिसको कहते हैं, और सेंट्रल टावर से 7 जगह 7 डिफरेंट अलग